नमस्कार, पुलिस वाला वेब न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। गोठी गांव जनपद के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत टिकरी के अंतर्गत आने वाला गांव मुंगली में निकली मतदाता जागरूकता रैली आज शासकीय प्राथमिक शाला मुंगली और माध्यमिक शाला मुंगली के छात्रों छात्राओं और शिक्षकों द्वारा ग्राम में भ्रमण कर नारे लगाते हुए मतदाताओं को अपने मत के अधिकार के बारे में बताया गया। आपके एक मत से देश का कितना विकास हो सकता है। इस कार्यक्रम में गाँव के सभी प्रमुख लोग और आम नागरिक सम्मिलित होकर मतदान करने की शपथ ली। किसी के दबाव लोभ में अपने मत का उपयोग नहीं करेंगे, हम निष्पक्ष होकर मतदान करेंगे। माध्यमिक शाला से शिक्षक धनंजय राजपूत, अतिथि शिक्षक शैलेश अग्रवाल और प्राथमिक शाला से चंदन सिंह राजपूत और श्रीमती प्यारी बाई सोनी और आंगनबाड़ी केंद्र से कार्यकर्ता कविता मेहरा, सहायिका गायत्री कुशवाहा और ग्राम सरपंच दुर्गाबाई, कोमल सिंह पटेल, डोमन सिंह पटेल, संतोष पटेल, रुस्तम का दशरथ पटेल, गजराज पटेल, राम प्रसाद ठाकुर, ग्राम कोटवार मुन्नालाल और विशेष रूप से मीडिया प्रभारी अंकित शुक्ला भी शामिल रहे। मतदाता जागरूक रैली निकाली गई, इसमें माध्यमिक और प्राथमिक विभाग एवं आंगनबाड़ी का सहयोग रहा। सभी लोगों ने ग्राम में भ्रमण करते हुए नारे लगाते हुए रैली निकाली गई। इसमें मतदाताओं को जागरूक करने के लिए बताया गया, किसी के भय और लोभ में आकर मत का उपयोग न करें, अपने मत का निष्पक्ष और पूर्ण ईमानदारी से मतदान करें, समय पर जाएं और अपने मत का उपयोग करें। यदि आप नाम क्या आपका? मेरा नाम चंदन सिंह राजपूत। रीवा में जय महाकाल संगठन का 10वां स्थापना दिवस कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में मनाया गया। रीवा में जाने माने सामाजिक संगठन जय महाकाल सेवा संघ का स्थापना दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में परम पूज्य स्वामी महामंडलेश्वर अखिलेश्वरानंद गिरिजी महाराज का पावन सानिध्य प्राप्त हुआ। रीवा महापौर ममता गुप्ता जी भतार कार्यक्रम अध्यक्ष के रूप में उपस्थित रहे। सचिव प्रिंस उपाध्याय ने आए हुए सभी अतिथियों का स्वागत रक्त चंदन कर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ श्रीफल भेंट कर किया। जय महाकाल सेवा संघ के अध्यक्ष देवेंद्र द्विवेदी जी ने अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में बतलाया कि जय महाकाल सेवा संघ की स्थापना आज के दिन 10 साल पहले 8 अक्टूबर 2008 को रीवा में हुई। 10 वर्षों से जय महाकाल सेवा संघ ने सामाजिक कार्यों के विभिन्न आयामों और नशा मुक्ति, स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे विभिन्न विषयों में कार्य किया। रोटी योजना के तहत गरीबों को निःशुल्क भोजन कराने का कार्य जय महाकाल सेवा संघ लगातार करता रहा है। स्वामी महामंडलेश्वर अखिलेश्वरानंद गिरिजी महाराज ने जय महाकाल सेवा संघ के द्वारा किए जा रहे सामाजिक हित के कार्यों की मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हुए कहा कि जय महाकाल सेवा संघ से जुड़कर युवा पीढ़ी नशा मुक्त भारत बनाने का जो प्रयास कर रही है, उसमें पूरी मानवता का भला होगा। पूरे भारत के लिए एक आदर्श संगठन, युवकों का संगठन जय महाकाल सेवा संघ, उसके 10वें स्थापना दिवस पर मेरा यहाँ अनुरोध। 10 वर्ष से लगातार सामाजिक चेतना जागरण करने का और इसके साथ साथ युवकों में जो नशा करने की प्रवृत्ति दिनों दिन बढ़ रही है, उसकी चिंता करते हुए हजारों युवकों को नशा मुक्त बनाना और इसके साथ साथ भारतीय जीवन मूल्य, सनातन जीवन मूल्यों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध यह संगठन, इनके लोगों ने मुझे आज यहाँ आमंत्रित किया था। मुझे बहुत अच्छा लगा इनके 10 वर्ष स्थापना दिवस के पूर्व और ये संगठन काफ़ी धीरे धीरे जो है अपना विस्तार भी करते जा रहा है और सबसे अच्छी बात है कि इस संगठन में सारे युवा जुड़ते जा रहे हैं और जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो इस संगठन की रचनात्मक प्रवृत्ति के कारण अपना आशीर्वाद दे रहे हैं और अपने संरक्षक की भूमिका में है और अनेक प्रकार के सामाजिक संगठनों के जो प्रमुख हैं इस संगठन के प्रति जो सहानुभूति रखते हैं, सद्भावना रखते हैं, तो आज उनके अधिवेशन में मुझे साधु संत महात्मा तो हर संगठन के संरक्षक ही होते हैं। मैं इन सब लोगों से उम्मीद करूँगा कि जैसे स्वयं आचरणवान है, जैसे स्वयं नैतिक नियमों से बंधे हुए हैं, ऐसे अपने जैसे, मैं तो ये कहता हूँ कि एक व्यक्ति अपने जैसा एक तैयार करे और सबने अगर ऐसा दायित्व ले लिया तो हजारों लोगों की, लाखों लोगों की एक ऐसी टोली जो नैतिक जीवन जीने वाली हो और समाज में जो दुष्प्रवृत्तियाँ पनपते जा रही हैं उनके प्रति लोगों में जागरण करके और दुष्प्रवृत्तियों से हटाने का जो काम कर रहे हैं, तो ऐसा काम ये करते रहें
और समय समय पर एक सन्यासी होने के नाते ये मुझे अगर अपना आदर्श मानते हैं, संरक्षक मानते हैं, वैसे तो मैं इनका सबका सुचिंतक हूँ और अपनी सद्भावना भी रखता हूँ इनके प्रति और सहयोग की भावना भी रखता हूँ। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि अगर ये ऐसा मानते हैं तो मैं इनका गार्जियन हूँ, मैं इनके पिता तुल्य हूँ, सब मेरे सामने जितने खड़े हैं सब मेरे पुत्र जैसे हैं। अरे भाई, मैं अपना घर गृहस्थी में नहीं गया तो नहीं गया, लेकिन इतने सारे पुत्र और पौत्रियाँ मुझे मिल रहे हैं तो इसकी ये तो सौभाग्य मेरा ही है। और एक सबसे अच्छी बात यह कि भारतवर्ष ऋषि मुनियों का देश रहा है और ऋषि मुनियों ने हमेशा हर काल में नैतिक मूल्यों की स्थापना के लिए कार्य किया है और इस कार्य के लिए जो लोग आगे बढ़ते हैं उनको संरक्षण देना, उनको प्रोत्साहित करना, आदि शंकराचार्य ने भी यही काम किया था, स्वामी विवेकानंद जी ने भी यही कार्य किया था, महर्षि दयानंद ने भी यही कार्य किया था, महावीर स्वामी ने भी यही कार्य किया था, गौतम बुद्ध ने भी यही कार्य किया था। अच्छा, पुरुषों ने यह कार्य किया हो ऐसा नहीं, महिलाओं ने भी, ब्रह्मवादिनी आंडाल ने, गार्गी और मैत्री ने, मंदालसा ने, इन्होंने सबने अपने पुत्रों को तैयार किया था। तो युवकों पे, युवतियों में ये सब प्रतिभावान लोग हर युग में हुए हैं, इस युग में भी लोग आ रहे हैं। और सबसे अच्छी बात ये कि वर्तमान युग जो है जहाँ अनैतिकता का बोलबाला चारों तरफ दिखाई पड़ रहा है, वहाँ ये युग इलेक्ट्रॉनिक संचार क्रांति के कारण सत्य के ज़्यादा करीब है। आज कोई व्यक्ति झूठ नहीं बोल सकता, अगर मोबाइल है उसके हाथ में और वो खड़ा है किसी केंद्र पर और वो असत्य बोल के दूसरे केंद्र की चर्चा कर दे तो ट्रेस हो जाएगा, तो ये समझ में आएगी कि सत्यवादी है या मिथ्यावादी है। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक क्रांति ने भी हमको सत्य के बहुत करीब ला के खड़ा कर दिया है। इसलिए दुनिया के किसी भी कोने में खड़ा हुआ व्यक्ति असत्य बोल करके नहीं बता सकता कि मैं घर में नहीं हूँ, बोल दूँ, है ना। तो सत्य के ज़्यादा करीब और सत्य के अन्वेषण में लगी, इसलिए इन लोगों के साथ मेरा निश्चित रूप से जो है सद्भावना है उनके साथ। संघ का 10वां स्थापना दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। परम पूज्य अखिलेश्वर आनंद गिरी महाराज जी, जो कि गौ संवर्धन बोर्ड के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनका पावन सानिध्य प्राप्त हुआ, माताओं बहनों का सानिध्य प्राप्त हुआ। पूरे 11 तहसीलों से, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली और उमरिया से हमारी पूरी टीम यहाँ पर आई और हजारों हजार युवाओं का हुजूम पहली बार राज कपूर ऑडिटोरियम पूरा खाचा खच भरा हुआ मिला। और युवाओं ने आज संकल्प लिया है कि वो रीवा से नशे के राक्षस को दूर भगा करके मानेंगे। जय महाकाल सेवा संघ को 10 वर्ष पूरे हुए, 8 अक्टूबर 2008 को इसकी स्थापना हुई थी। प्रतिवर्ष हम स्थापना दिवस बड़े भाव के साथ मनाते हैं, क्रांतिकारी अंदाज के साथ मनाते हैं। और आज इस उपलब्धि के लिए जो युवाओं ने दूर दूर से आकर के अपनी प्रतिभाओं का यहाँ उन्होंने नाट्य रूप में हो, चाहे नृत्य के माध्यम से हो, संगीत के माध्यम से हो, अपनी प्रतिभा को उकेरा और पूरे विंध्य का नाम रोशन किया है। जय महाकाल सेवा संघ पूरे रीवा वासियों के लिए, पूरे प्रदेश वासियों के लिए, पूरे भारत वासियों के लिए हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद देता है, क्योंकि यह एक राष्ट्रीय संगठन है और पूरे मीडिया जगत को भी बहुत बहुत धन्यवाद। इन 10 वर्षों में जय महाकाल सेवा संघ ने सेवा के कार्यों को अपने मुख्य रूप से कार्य बनाया, शिक्षा के क्षेत्र में, नशा मुक्ति के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, स्वच्छता के क्षेत्र में। लेकिन नशा मुक्ति को हम लोगों ने पहले पायदान पर रखा, प्रथम पायदान पर रखा। और नशा मुक्ति के लिए जय महाकाल सेवा संघ रीवा जिले की 827 ग्राम पंचायतों में नशा मुक्ति बना चुका है। रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, हर जगह हमारी जिला 51 जिलों में पूरी जिला कार्यकारिणी। टोल प्लाजा पर डकैती की योजना बनाते 4 बदमाशों को सिविल लाइन पुलिस ने अवैध हथियारों के जखीरा सहित गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। पुलिस ने बदमाशों को मुखबिर की सूचना पर निचरौली की डाम से गिरफ्तार कर लिया। सिविल लाइन पुलिस ने निखिल यादव, मोहित श्रीवास्तव, राहुल यादव और राजकुमार सेन नामक बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि राम नरेश यादव नामक बदमाश पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से 2 315 बोर के कट्टा, 1 12 बोर का कट्टा, तलवारें और 1 स्कॉर्पियो और स्विफ्ट कार जब्त कर डकैती अधिनियम का मामला दर्ज किया है। पुलिस कप्तान मयंक अवस्थी के निर्देश और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मंजीत सिंह चावला के मार्गदर्शन में सिविल लाइन TI शिशिर दास, सब इंस्पेक्टर रचना महौर और सब इंस्पेक्टर रविंद्र कुमार की संयुक्त कार्रवाई की। दिनांक 8/10/18 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय को मुखबिर की सूचना मिली कि निचरौली जंगल में कुछ हथियारबंद बदमाश एकत्रित होकर के दिनारा टूल टैक्स पर डकैती डालने की योजना बना रहे हैं। जिस सूचना को
साहब ने थाना प्रभारी को बताया, सिविल लाइन को, और उसको पकड़ने के निर्देश दिए, जिसमें श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा भी निर्देश दिए गए। और फिर TI सिविल लाइन ने जाकर के बताए गए स्थान पर जाकर के पार्टियां तैयार की, उनको घेराबंदी करके पकड़ा निचरौली के जंगल में। तो चार लोग गिरफ्तार हुए, जिनके नाम जो है निखिल पुत्र अवधेश यादव, दूसरे का मोहित उर्फ मोनू पुत्र दिनेश श्रीवास्तव, तीसरा राहुल पुत्र अमर सिंह यादव, चौथा रामकुमार पुत्र बच्चूलाल सेन। ये चार पकड़े गए और इनके कब्जे से जो है 2 315 बोर के कट्टे, 5 जिंदा कारतूस और 1490 रुपये नकदी और 4 मोबाइल और 1 बका 1 तलवार जब्त किया गया। मौके से जो 5 आदमी थे, वैसे तो एक इनका साथी था राम नरेश यादव पिछनारी का, वो भागने में सफल हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है। CG 9903 उसकी तलाशी ली तो डिग्गी में आगे 1 12 बोर का कट्टा। पुलिस वाला समाचार पत्रिका और पुलिस वाला वेब न्यूज के संपादक मुकेश जी वहाने के जन्मदिन पर मंदसौर के अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ महादेव मंदिर में हुई पूजा अर्चना। मंदसौर में विश्व प्रसिद्ध अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ महादेव मंदिर पर पहुंचकर उज्जैन संभाग ब्यूरो चीफ संतोष परसाई और राष्ट्रीय प्रबंधक DS पाटीदार और मंदसौर ब्यूरो चीफ प्रीति मनवानी ने पुलिस वाला न्यूज और राष्ट्रीय पत्रिका के प्रधान संपादक श्री मुकेश जी वहाने के जन्मदिन के अवसर पर पूजा अर्चना कर उनके दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना करते हुए न्यूज चैनल सैटेलाइट चैनल के रूप में परिवर्तित और पुलिस वाला संगठन नई ऊंचाइयों पर पहुंचे इस हेतु प्रार्थना भगवान पशुपतिनाथ से की। इस अवसर पर पशुपतिनाथ मंदिर के पुजारी जी ने मुकेश जी वहाने के सुखी स्वस्थ और दीर्घायु होने का आशीर्वाद प्रदान कर चैनल नई ऊंचाइयों पर पहुंचे सेतु श्रीफल और भगवान पशुपतिनाथ की आंकड़े की माला प्रदान की। पुलिस वाले न्यूज संगठन के संतोष परसाई, डॉक्टर DS पाटीदार और प्रीति मनवानी प्रसन्नता के साथ पूजा अर्चना की और पशुपतिनाथ मंदिर परिसर में अन्य देवी देवताओं से वहाने जी के लिए आशीर्वाद प्राप्त किया। ईसागढ़ नगर थाने में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें ईसागढ़ के वरिष्ठ नागरिक और वरिष्ठ पत्रकार, भाजपा कार्यकर्ता और कांग्रेस कार्यकर्ता, ईसागढ़ तहसीलदार, नगरपालिका CMO विनय कुमार भट्ट, TI थाना प्रभारी उत्तम सिंह मंडेलिया मौजूद रहे, जहां सभी लोगों ने SP सुनील जैन के समक्ष अपनी राय रखी। SP सुनील जैन ने कहा, सुरक्षा और शांति व्यवस्था का हर संभव प्रयास करेंगे। DSP संदीप कुमार को आदेश दिए कि अपराध पर अंकुश लगाने पर हर संभव प्रयास करें। ईसागढ़ पुलिस सक्रिय चौक चौराहों पर CCTV कैमरों की निगरानी से नजर रखेगी। इस पर पुलिस का ईसागढ़ में सभी जगह नवदुर्गा में कड़ा पहरा होगा। उन्नाव पुलिस ने हत्या की गुत्थी सुलझा ली है। कलयुगी पुत्र मैथिली शरण ने अपने साले और अन्य साथियों से पिता की हत्या कराकर विरोधियों को फंसाने का षड्यंत्र रचा था। पुलिस कप्तान मयंक अवस्थी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। उन्नाव पुलिस ने मृतक के पुत्र मैथिली शरण कुर्मी, संतोष नामदेव गुड्डा उर्फ गौरीशंकर सेन और अंतर सिंह यादव को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस कप्तान ने पुलिस टीम को 10,000 रुपये इनाम देने की भी घोषणा की है। पत्रकार वार्ता के दौरान मंजीत सिंह चावला, RN पचौरी, बड़ौनी किशन बाबू उपाध्याय, उन्नाव थाना प्रभारी अभिनव बारंगे और सब इंस्पेक्टर महेंद्र सिंह कुशवाहा भी मौजूद रहे। उन्नाव थाना क्षेत्र में एक हत्या की सूचना प्राप्त हुई, जिस पर से तत्काल वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। वहां पर पता चला कि उन्नाव थाना अंतर्गत एक खेत में एक मृतक मूलचंद कुर्मी, पुत्र शिवराम कुर्मी, उम्र 60 वर्ष, निवासी मड़गुवा थाना चिरगांव जिला झांसी, इसकी लाश पड़ी हुई है एक खेत में। और मौके पर उसका पुत्र मैथिली शरण और ब्रज बिहारी पटेल उद्घस्ती, जो उसका दामाद लगता है, ये लोग बैठे थे। इन्होंने ये सूचना करी कि चंद्रभान राजपूत, जो बराठा का रहने वाला झांसी का, वो अपने कुछ सहयोगी साथ आके वहाँ रास्ते में खड़ा हुआ था और उसने गोली चलाकर उसकी हत्या करी है। तत्काल मौके पर से दोनों को के बयान लिए गए, जो मृतक का बेटा है और बिहारी पटेल, दोनों के बयानों में विरोधाभास की स्थिति को देखते हुए उनसे गहनता से पूछताछ करी गई। पूछताछ करने पर उन्होंने अलग अलग बयान दिए। उन्होंने दतिया आने का जिक्र किया और दोनों से अलग पूछताछ की गई, तो एक ने दतिया में अन्य जगह जाने का जिक्र किया और दूसरे ने किसी और जगह जाने का जिक्र किया, जिस पर से उनसे और कड़ाई से पूछताछ करी गई। उन्होंने स्वीकार किया
कि उन्होंने ही इसकी अपने पिताजी की हत्या का षड्यंत्र रचा था और 12 बीघा जमीन का इनका विवाद चंद्रभान राजपूत से पहले से चल रहा था, जिसकी कि कई बार लोग पंचायत भी कर चुके थे और उसी मामले में चंद्रभान राजपूत को झूठे मामले में फंसाने के लिए इन लोगों ने षड्यंत्र रचा। और संतोष नामदेव बुड्ढा उर्फ गौरीशंकर सेन और अतर सिंह यादव निवासी सरसई, इन लोगों को वहाँ सड़क पर बुला के इनके द्वारा उसकी हत्या करवाई और चंद्रभान राजपूत का नाम लिखवा दिया। इन लोगों ने अपना गुनाह कबूल किया है और इनके कब्जे से जो घटना में प्रयुक्त। अब बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, और भी खबरों के लिए आप देखते रहिए पुलिस वाला पेपर्स।